क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहां कैसे था शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के मायाजाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवद गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए, इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो बात हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था।
परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। मित्रों, बहुत साल पहले की बात है, एक आलसी और भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहां रह सकता हूं? गुरुजी बोले, हां हां क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा, ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहां तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहां तो माता सीता भी आई हैं, और मैंने तो भोजन बस दो लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हां थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बहुत ही मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां दो लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने तीन लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ?
एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु रामजी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में जाकर कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर आवाज लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी, आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। उसने प्रभु श्री राम से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका, तुम्हारी तरह और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। मित्रों, भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है, इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जितने सच्चे मन से भक्त भगवान को भक्तिभाव से याद करता है, भगवान भी भक्त को उतने ही सच्चे मन से अपनाते हैं। भगवान को रुपयों की चाह नहीं होती, वे केवल भक्त के भाव देखते हैं। यदि सच्चे मन से भगवान को सूखी रोटी भी अर्पित की जाए तो वे उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, जबकि छल कपट से कमाई गई दौलत से दिए गए हीरे मोती भी भगवान के लिए मिट्टी समान है। दूसरों की मदद करके हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं। साईं बाबा ने तो पानी से दिए जला दिए थे। वे कहते हैं कोई भी धर्म अलग नहीं है, न ही कोई भी धर्म छोटा या बड़ा होता है, बस उस भगवान को मानने के तरीकों में अंतर है। बाकी भगवान तो एक है, हम सभी उसी की संतान है। गरीब, लाचार, बेबस और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा करना है। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना 100 यज्ञ के समान, आज के युग में नई पीढ़ी माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। आप लोग कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन सच्चा सुख और शांति तभी मिलेगी जबकि आपके माता पिता खुश रहेंगे। माता पिता की सेवा करना 100 यज्ञ करने के बराबर है। बचपन में जिस तरह माता पिता हमारी देखरेख करते हैं, उनके वृद्धा होने पर हमें भी उनकी वैसे ही देखभाल और सेवा करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक सुप्रसिद्ध संत नामदेव थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत हुए हैं। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरिनाम संकीर्तन करते थे।
एकादशी को वे न अन्न खाते और न किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न अन्न खाता हूं और न अन्न किसी और को खिलाता हूं। इसीलिए ब्राह्मण देवता, आप सुबह के सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूं, एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है, मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले, पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढक कर रख दिया। वह मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थीं, तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह बूढ़ा अंतर्धान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य हैं श्री नामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बार एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का रूप कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते, कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हां भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिया और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से यह कोढ़ी पीछे पड़ गया, तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहां सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूं, पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया।
भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। मित्रों, एक एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। संत बोले, पानी के ग्लास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? संत ने पूछा। बहुत ही खराब, एकदम खारा, युवक ठूंकते हुए बोला। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो, संत ने निर्देश दिया। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो, संत बोले। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर संत ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें यह खारा लग रहा है? नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है, युवक बोला। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, न इससे कम ना ज्यादा। जीवन में दुख की मात्र वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, ग्लास मत बने रहो, झील बन जाओ। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहां जीवन में कमी है वही ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे, और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधु बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नाई माला लेकर आए, ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बहुत ही उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी है। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहां छलके है, कृष्णा नाम से भोर भक्ति की रीत जहां पल पल है, प्रेम प्रीति की डोर राधे राधे, झपते झपते दिख जाए चितचोर, चलो मन वृंदावन की ओर। भगवान भक्त की पुकार सुनते हैं, बस हृदय से पुकारने वाला होना चाहिए। आपको यदि भगवान पर विश्वास है तो वो आपको किसी भी स्थिति परिस्थिति से निकाल लेते हैं। मीरा जी, जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो
तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया, चींटी के पग नुपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, आप कल्पना कीजिए, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे तो ये आपका भ्रम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को नहीं जाना। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनता है। एक छोटी सी कथा संत बताते हैं। एक भगवान जी के भक्त हुए थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूं, तो ये तेरा भ्रम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूं और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, भगवान जी आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूं कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूं। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई जी, भाई पोद्दार जी, राधा बाबा जी, श्री राम सुखदास जी और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना, आपको खुद लगेगा कि हाँ भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं। पारिवारिक व सांसारिक संबंधों की डोर कच्ची होती है जो कभी भी टूट सकती है। संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत है और वह है भगवान व भक्त का संबंध। जो लोग श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा करते हैं और अपना हर कार्य उनके भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान ऐसे सच्चे भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। भक्त जब संकट में होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की मदद करने आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन भगवान को न भूलो। हर पल भगवान को अपने दिल में बसाए रखो। भगवान के अमीर भक्त ने भक्ति में सब कुछ लुटा दिया, और जब भक्त पर संकट आया तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश भक्त की बेटी का मायरा भरने पहुंचे। बेटी का ऐसा मायरा आज तक न किसी ने भरा और न कभी भर पाएगा। नानी बाई का मायरा तो आप सबने सुना ही होगा। भक्त नरसिंह ने मायरा भरने भगवान को बुलाया था। नानी बाई के पिता नरसिंह ने भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ लुटा दिया। वे सूरदासों के साथ केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में ही लीन रहते थे। उनकी पुत्री नानी बाई बड़े घर में ब्याही गई थी। सालों बाद नानी बाई की लड़की की जब शादी होने लगी तो नानी बाई के ससुराल वाले उसके गरीब पिता को शादी में नहीं बुलाना चाहते थे। समधी श्री रंगजी महाराज ने शादी का न्योता भेजा तो कार्ड पर नरसिंह का नाम न लिखकर भगवान का नाम लिख दिया। ब्राह्मण के हाथ से मिले निमंत्रण पत्र को पिता नरसिंह अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वे भगवान से कहते हैं कि बेटी के घर मायरा, भात भरना, भरने का न्योता आपको मिला है, अब भात कैसे भरना है ये आप जानो। बेटी के ससुराल जाने पर धनवान समधी समधिन द्वारा अपमानित किया जाता है। इस पर नरसिंह कहते हैं कि जितना भात भरवाना हो भरवा लो, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि स्वयं भगवान उनकी बेटी का भात भरने आएंगे। भगवान द्वारकाधीश अपने भक्त की लाज रखते हैं और स्वयं शादी में आकर नानी बाई के ससुराल वालों द्वारा दी गई मायरे की लिस्ट में लिखी सभी मांगों को पूरा करते हैं। भगवान ने गांव के हर सदस्य, रिश्तेदार के लिए मांगे गए हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी उपहार के रूप में दिया। ऐसा मायरा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं भरा और न कभी भर पाएगा। जिसने भी इस पृथ्वी जन्म लिया और ईश्वर में विश्वास करता है तो वह ईश्वर की भक्ति अवश्य करता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले ज्यादातर लोग भगवान में आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, परंतु हर मनुष्य का भक्ति करने का तरीका भिन्न होता है। सभी अपनी तरह से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस बारे में बताते हुए कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी
ज्ञानी च भरतर्षभ। इस तरह से भगवान कृष्ण ने चार प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है। ये चार प्रकार के भक्त होते हैं आर्थ, जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी अर्थार्थी, सबसे निम्न श्रेणी के भक्त हैं। उससे श्रेष्ठ आर्थ, आर्थ से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी हैं। जो लोग ईश्वर को केवल लोभ यानी धन वैभव, सुख समृद्धि आदि के लिए ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। इस तरह से भक्तों को अर्थार्थी निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, वे दुख और समस्या से घिरे हुए हो। यानी जो भक्त समस्या के समय ईश्वर को याद करते हैं वे आर्थ भक्त की श्रेणी में आते हैं। ये निम्न कोटि से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। जिज्ञासु अर्थात जिसमें कुछ जानने की जिज्ञासा हो, कहने का अर्थ यह है कि जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद न करें, संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऐसा भक्त जो केवल ईश्वर की चाह रखता है, वह केवल ईश्वर में लीन रहना चाहता है, वह भगवान के किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता है, ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, ऐसे भक्त ईश्वर की आत्मा होते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार भोला नाम का एक आदमी था। भोला शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहां रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे, तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़ने को जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी मां बहुत बीमार है, सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी दुकान ही खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोला के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार मां को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार मां को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। भोला के पसीने छूटने लगे।
वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, मां को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर पूछा। हां हां, क्यों नहीं, भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, उस बच्चे ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोला को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी मां को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हां, अब की बार जरा संभल के जाना। लडडा का अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोला की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। दोस्तों, जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? कैसे जाने कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है या इस जन्म के कर्म का? किन कर्मों के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा के रूप में है? पिछले किसी जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली। पत्नी कहती रही कि कुछ दान करें पर टालते रहे और धीरे धीरे धन की कमी भी होने लगी, इसलिए दान या किसी भलाई के काम के लिए बजट नहीं रखा। ऐशो आराम का जीवन जिए जिसमें पत्नी की बहुत उपेक्षा हुई। उपरोक्त जन्म के तुरंत बाद ही वर्तमान जन्म हुआ हो जरूरी नहीं है। बेरोजगारी अथवा पैसा कमाने का पूर्व जन्म पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर अवलंबन है, और समय पर पुरुषार्थ करके पैसा नहीं कमाया इसलिए अब शादी भी नहीं हो रही है। अगर आप बगैर हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा होते तो कह सकते थे कि पूर्व जन्म के किसी कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा रूप में हुई है। क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? तो यह बात तो आप सबको भी पता ही होगी कि अगर हम कुछ कमाई भी नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह हम खुद ही है। क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर भी नहीं है वह लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म में हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलते हैं वह सारे पूर्व कर्म का फल है। यह सारे संजोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए कर्म बीज होते हैं या डालते हैं जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, पक्के आम खाने के बाद जब हम उसकी गुठली जमीन में बोते हैं और खाद पानी वगैरह देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि 4-5 साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों का फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया तो इस जन्म में हमें वह दुख के 3-4 गुना दुख इस जन्म में पाते हैं, चक्रवृद्धि व्याज जैसा। उससे उल्टा पूर्व जन्म में हमने किसी को सुख दिया तो वह भी 3-4 गुना होकर मिलता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख के प्रमाण को देखकर हमें समझना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया, जैसा बोया वैसा फल मिला। तो हमें सारा जगत या जो भी मनुष्य हमें मिलता है वह निर्दोष ही दिखेगा और हमें निरंतर बहुत शांति रहेगी। निज दोष से सारा जगत निर्दोष दिखेगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि क्या कर्म के आधार पर दूसरा जन्म निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना कमजोर और असहाय है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? ये निष्काम कर्म की बात क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है? क्या यह सच है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है? सभी कर्मों का फल तुरंत मिले यह जरूरी नहीं। जिस कर्मों का फल पूर्व जन्म में नहीं भुगता वही इस जन्म में भुगतना होगा, दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं है।
जी हाँ, यह 100% सच है। क्या इंसान अपने इस जन्म में जो भी है वो अपने पिछले कर्मों की वजह से है, या फिर इस जन्म के कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में मिल जाता है? पिछले जन्मों के संचित कर्मों से यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है, संचित पूर्व जन्मों के और क्रियमाण वर्तमान जीवन के। दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमारा जीवन है। अब क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? बिल्कुल, तलवार की चोट सुई की चोट बनकर आएगी जीवन में। कर्म फल प्रारब्ध बनकर कई जीवन में पीछा करते हैं। जैसे भूखा बछड़ा भूख लगने पर मां को तलाश ही लेगा, दूध पीने को उसी प्रकार। लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं या अपना जीवन इष्ट भक्ति या मानव सेवा में लगाते हैं, तब प्रारब्ध बड़ा पत्थर बनकर हमारे ऊपर गिरकर जो चोट देने वाला था, जिसको शायद हम सह नहीं पाते, वह पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बनकर जीवन में गिरेंगे, जिसे हम आसानी से सहन कर प्रारब्ध खत्म कर लेंगे। जीवन में कई उदाहरण मैं देख चुका हूं, खुद पर और अन्य पर। प्रारब्ध को टालने के लिए कई गुना धर्म, अच्छे कर्म, सद्गुरु शरण, इष्ट भक्ति का मार्ग लेना पड़ेगा। क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? हां, पुण्य करने से कर्म भोग को टाला जा सकता है, पर खत्म नहीं होता। केवल पुण्य के अधिकता से पुण्य भोग करने से पाप भोग पुण्य रहते टलता रहेगा, लेकिन क्षीण नहीं होता है। क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल या दुख इस जन्म में भी मिलते हैं? पिछले जन्मों का कर्म का फल इस जन्म में बिल्कुल मिलता है, लेकिन आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको लाभ इस जन्म में जरूर मिलेगा। गलत काम करेंगे तो आप अपराध बोध से गिरे रहेंगे। न केवल पिछले एक ही जन्म का अपितु, जब तक किसी कर्म का भुगतान नहीं होता है, तब तक पिछले अनेक जन्मों के कर्म भी संचित रह सकते हैं। यह ईश्वरीय व्यवस्था है, इसे पूर्णतया कोई नहीं जान सकता है। जब हमारा जन्म ही पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है, तो पिछले जन्म के कर्मों के भोग पर संदेह क्यों? और जिसे हम सब भाग्य कहते हैं, वह भी तो कर्मफल ही है। पूर्वकृत कर्म जो कि पिछले जन्मों में जीव ने किए हैं, उन्हीं से उसके संस्कारों का निर्माण होता है। ये संस्कार सूक्ष्म शरीर के अंतकरण के चित्त की स्मृति में संचित होते रहते हैं। इन्हीं संस्कारों का कुछ चुना हुआ भाग वर्तमान के जीवन में भोगने हेतु चुना जाता है। इस चुने हुए संस्कार के भाग को प्रारब्ध कहते हैं। यदि प्रारब्ध में अच्छे कर्मों से बने संस्कार चयनित हैं, तो जीव को वर्तमान में अच्छे भोग भोगने को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार मिश्रित व बुरे प्रारब्ध को भी समझा जाए। यद्यपि प्रारब्ध भोगने में किसी प्रकार की स्वतंत्रता जीव की नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्म फल भोग का नियंता है, जैसे कर्म वैसा भोग। पर जीव कर्म करने हेतु स्वतंत्र है। कर्म करने में कोई परतंत्रता ईश्वर ने जीव पर नहीं थोपी है। जीव चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे, वही उसका फल भोग करेगा। यदि किसी का प्रारब्ध उत्तम है, तो उस जीव के भोग उत्तम दिखेंगे। यदि वह गलत कर्म भी कर रहा है, तो जब तक उत्तम भोग समाप्त न हो जाएगा, वह उत्तम फल भोगता हुआ दिखेगा। पर अभी तो वह बुरे कर्म खूब कर रहा है। जैसे ही उस जीव का उत्तम भोग समाप्त हो जाएगा, उसके बुरे कर्मों का फल भोग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो पूर्वकृत कर्म है वो वर्तमान का भाग्य है, और जो अभी वर्तमान के कर्म है वो आगामी भाग्य बनाएंगे। जिस जन्म में कर्म करते हैं, यदि किसी कारणवश उसी जन्म में फल प्राप्त नहीं हुआ, तो आगे के किसी जन्म में उसका फल मिलता है। देवी भागवत में बताया गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। और भविष्य पुराण कहता है, इह जन्म कृतं कर्म पर जन्मानि प्राप्यते। भीष्म पितामह तीर के शैया पर पड़े पड़े प्राण त्यागे, यह उनके 100 जन्म पहले का कर्मफल था। क्या पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना होता है? 2 साल की बच्ची के साथ यौन हिंसा होती है। अगर कोई कहे कि भगवान ने उसे पुराने जन्मों के पाप की सजा दी है, तो ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। इतना क्रूर तो किसी भी देश का कानून नहीं जो किसी भी गलती की ऐसी पाशविक सजा दे। तो फिर वह भगवान जो सबका पालनहार है, दयावान है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? जब हमें अपना पुराना जन्म याद नहीं, तो फिर पुराने जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलने का औचित्य भी क्या है? कोई व्यक्ति इस जन्म में अंधाधुंध पाप किए जा रहा है, और भगवान उसे पुराने जन्म के कर्मों की वजह से खुशियां दे, ये तो बहुत ही अजीब बात हुई। पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों? उसी जन्म में क्यों नहीं हिसाब बराबर किया जाए? पिछले जन्म में जो था वह व्यक्ति कोई और था।
गीता में कहा गया है कि आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। इसलिए इस नए जन्म में नए वस्त्र रूपी शरीर वाला व्यक्ति भी कोई और है। किसी एक व्यक्ति के कर्मों का इनाम या सजा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यह अन्याय है। और 2 साल के बच्चों को सजा देना तो अत्यंत जाहिल है। तो आप कहेंगे कि फिर ऐसा होता क्यों है कि कोई व्यक्ति पाप भी करे तब भी समृद्ध होता है और कोई व्यक्ति ईमानदार होते हुए भी यातनाएं सहता है? यही सवाल सभी समस्याओं का कारण है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए पुराने जन्मों के कर्मों के फल वाला वाहियात स्पष्टीकरण दे दिया गया है। इस सवाल का जवाब दिया जाना अति आवश्यक था, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक सवाल है। ऐसा सवाल दिमाग में आ जाए तो व्यक्ति नास्तिक बन सकता है, अर्थात भगवान ने दुनिया बनाई तो सही, लेकिन अब दुनिया स्वयं चल रही है। या फिर वह खुद का ऐसा कोई जवाब मिल सकता है कि भगवान किसी स्कूल प्रिंसिपल की तरह स्कूल के मामलों में केवल कभी कभी दखल देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सोचने लगेगा। वह नहीं मानेगा कि सब कुछ भगवान करवा रहा है और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो होता है वह उसे अच्छे के लिए बनाने के लिए संघर्षशील हो जाएगा। कोई आदमी अपने हिंदू या मुस्लिम होने पर गर्व नहीं करेगा, क्योंकि जब उसने इसके लिए कुछ किया ही नहीं तो गर्व कैसा। इसलिए बताया जाता है कि यह पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। व्यक्ति अगले जन्म में भी उसी धर्म में पैदा होने की इच्छा व्यक्त नहीं करेगा। वह जान जाएगा कि सभी धर्मों के लोग एक ही भगवान ने बनाए हैं। उसका हिंदू होना मात्र इसलिए है क्योंकि उस हिंदू परिवार में जो भी बच्चा पैदा होता तो वह हिंदू ही होता। इसके पीछे भगवान की कोई योजना नहीं है। हिंदू चाहे तो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन सकता है और मुस्लिम हिंदू बन सकता है। इससे भी ज्यादा रोचक तो यह है कि मुस्लिम होने पर भी वेद या गीता पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। हिंदू भी बिना धर्म परिवर्तन किए बिना पढ़ सकते हैं। एक मजदूर अपने ऊपर हो रहे अन्याय को अपना नसीब मानकर चुप रहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। वह जान जाएगा कि किसी के महंगे कपड़ों को सलाम ठोकने की कोई जरूरत नहीं। वह जान जाएगा कि भगवान उसके बच्चों के भूख से तिल मिलाने के लिए जिम्मेवार नहीं है। भगवान उसके बच्चों को मजदूर बनने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि एक व्यवस्था है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने पर तुली है। अगर हम अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाते हैं तो हम शायद ही कभी इनका कारण समझ पाएं कि भगवान कर्म की सजा इसी जन्म में क्यों नहीं देते। अगले जन्म में तो हमें हमारे किए कर्म याद भी नहीं होते हैं। फिर हम या तो भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों इसी जन्म में हो, तो हमें गलती का एहसास हो और हम सुधार सकते हैं। कर्म फल का सिद्धांत मानव जीवन को दिशा देने के लिए है। जहां गरीबी थी वहां कयामत का सिद्धांत चला, और जहां अमीरी थी वहां पुनर्जन्म का सिद्धांत चला। भारत में अमीर देश था तो यहां धन और शक्ति से संपन्न लोगों को बुरा कर्म करोगे तो अगले जन्म में भुगतोगे, यह डर दिखाया गया, जिससे संपन्नता के नशे में चूर व्यक्ति अधर्म करने से डरे। लेकिन जहां गरीबी थी वहां यह पुनर्जन्म का भय नहीं चलना था। काहे कि जब इसी जन्म में लाले पड़े हैं तो अगले जन्म की चिंता किसे होगी। तो फिर वहां कयामत का सिद्धांत चला कि जो भी है वो यही जीवन है, इस जीवन का पूरा उपयोग करो, कर्म करो, धन संपदा अर्जित करो, गरीबों का भला करो आदि आदि। अगर कर्म करने क्या हमें पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भोगना होता है? कर्म किसी भी जन्म का हो, अगर उदय में आना बाकी है तो आगे कभी भी किसी भी जन्म में आ सकता है। अभी तो इसी जन्म के मिल रहे हैं, तभी कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।